बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टिप्स विद सोबिया में वेलकम। आज हम बनाएंगे कीमा करेले, वो भी देसी स्टाइल में और लस्सी के साथ। तो आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। चलें बनाना शुरू करते हैं। आज बारिश का मौसम है और आपको बारिश की आवाज़ भी आएगी माशाल्लाह से। कीमा करेले बनाने के लिए 4 अदद प्याज मैंने बारीक कट कर लिए हैं, इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। करेले एक प्लेट यानी मैंने आधा किलो लिए हैं, इन्हें मैंने अच्छी तरह से कट कर लिए, फिर नमक लगाया और इन्हें 4 घंटे के लिए मैंने धूप में रख दिया। उसके बाद मैंने 4 दफ़ा इन्हें पानी से वॉश किया था और इनकी कड़वाहट ख़त्म हो गई है इंशाल्लाह। एक कटोरी दही, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया, 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर, अदरक और लहसुन 1-1 चम्मच, 1 किलो कीमा, थोड़ा सा पानी। कीमे को हम कोरमे वाला टेस्ट देंगे, उसके लिए हमें चाहिए 1 अदद बादियान का फूल, 2-3 लौंग, 3 गोल मिर्चें, 5-7 काली मिर्चें साबुत, 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी की डंडी, 1 कड़ी पत्ता। लस्सी बनाने के लिए हमने एक प्याली दही ले ली है और थोड़ा सा पानी, और फिर हम इसमें लस्सी बनाएंगे नमक शामिल करके। सबसे पहले हम हांडी में कुकिंग ऑयल डालेंगे, 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल के अंदर हम सबसे पहले साबुत मसाले डालेंगे और इन्हें हल्का सा भूनेंगे। साबुत मसाले थोड़े से भून गए, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर हम अंदर कीमा शामिल करेंगे। नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। अब हम कीमे को भूनेंगे और अच्छी तरह से भूनने के बाद एक प्याली पानी शामिल करके उसको 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। एक प्याली पानी, कीमा हमारा अच्छी तरह भून गया, इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे और इन्हें भी दम लगा देंगे कीमे के साथ ही। ये लस्सी मेरी दादी माँ करेलों के साथ बनाती थी और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे करेलों के साथ जरूर ट्राई करना और ये बहुत हेल्दी है इंशाल्लाह। एक प्याली मैंने इसमें दही शामिल की है, आधी चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। कीमा अच्छी तरह से गल गए, अब इसको हमने बहुत ध्यान से उठाना है, ये गर्म है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हांडी में ये बहुत टेस्टी बनता है। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखना, ये बहुत टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। इस टाइम पे हम दही शामिल करेंगे और इसका पानी खुश कर लेंगे। दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया, इस टाइम पर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो हमने पहले से गोल्डन कर लिए। प्याज के साथ ही हम करेले भी शामिल कर लेंगे। कीमा अच्छी तरह से भून गया, इस टाइम पर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसे हम 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे बहुत लो फ्लेम पर। हांडी में कुकिंग करना बहुत ही ईजी है, हमने सिर्फ फ्लेम को लो रखना है। हमने हांडी को गर्म गर्म ही वॉश करना क्योंकि इसे जब पानी लगेगा ना तो ये तिड़क जाएगी, यानी इस पर क्रैक आ जाएंगे। हमने इसको बिल्कुल ठंडा करके फिर वॉश करना। अगर आपको ये देसी थीम पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और मेरी वीडियो को एंड तक देखा जाए।
आपको ये मेरे माशाल्लाह देसी स्टाइल कीमा करेले अच्छे लगे तो इन्हें ज़रूर ट्राई करना। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।